తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి అరెస్ట్ అయి విడుదలైన తర్వాత ఆయన్ని కాంగ్రెస్ నాయకుడు గులాం నబీ ఆజాద్ పరామర్శించారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నియంతగా వ్యవహరిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక విధానాలను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ పోలీస్ వ్యవస్థను తన స్వప్రయోజనాలకు వాడుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. जो आज सुबह उन्होंने तकलीफ दी है, इतने फौज लेकर आ गई और इनको इनका दरवाजा तोड़कर और इनके बेडरूम तोड़कर पत्नी से छीन कर इनको जेल में डाल दिया. मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री वाकई डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं तो कल सुबह उन्हें पूरे तेलंगाना से और इस फैमिली से माफी मांगनी चाहिए, वरना ये उनकी राजनीति के पॉलिटिकल लाइफ में काला धब्बा हमेशा लिखा जाएगा कि एक विपक्ष के नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और उस विपक्ष के नेता को पहली रात उठा के जेल में रख दिया और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक मीटिंग करने गए. ये मेरे ख्याल में इनके राजनीतिक रिकॉर्ड में हमेशा कोई भी हो सकता है. क्या वो 3 बजे रात के जेल में जाना पसंद करेंगे? तो इसलिए किसी लीडर पर एक्शन लेने से पहले उनको सोचना चाहिए कि मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव हो सकता. अच्छा लीडर वही है, अकलमंद वही लीडर वही है, समझदार वही लीडर है कि वो विपक्ष के साथ और सभी लोगों के साथ अच्छा स्वभाव करे. और जो दिमाग में इंसान डायनेमिक कांग्रेस लीडर जिसको हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसकी मांग है, इतने डायनेमिक लीडर को जो चौथी दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री आता है और वहां के लीडर को यहां के लीडर को जेल में बंद रख के इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है. ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई गीदड़ जंगल में जाए और शेर को पिंजरे में बंद रखे और कहीं कहीं जंगल.